हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद आकाश पे। तो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में टाटोमेरिज्म देख चुके हैं, जिसे हम लोग कैटानोट्रॉफी, डेस्मोट्रॉपिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म या कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसे लार ने दिया था, ये सब हम लोग जान चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन। और हम लोगों ने इसका एक टाइप भी पढ़ लिया था, डायाड टाइप, ठीक है दोस्तों। अब डायाड के बाद सेकेंड टाइप क्या है हमारा, ट्रायाड टाइप, या फिर जिसे हम ट्राईऐड टाइप भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम लोग थ्योरेटिकल इसका ख़त्म कर लेंगे जो थ्योरी है, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है थ्योरी। मीना और लीना वाले डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में sp3 वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मीना और लीना क्या है, सवाल यही आता है सामने। यहाँ पर मीना और लीना, मीना का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इसका फुल फॉर्म। और लीना को हम लोग क्या कहते हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है दोस्तों। तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वाले डबल बॉन्ड, मतलब जो वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किए रहेंगे अपने लेफ्ट और राइट या ऊपर या नीचे जो भी हो, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में sp3 वाला जो होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज एसिड आर बेस कैटलाइज्ड, मतलब जो ट्रायड टाइप होता है वो एसिड या बेस कैटलाइज्ड होता है, होता ही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम लोग जब भी कराएंगे तो बेसिक कैटलाइज्ड ही कराएंगे, क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग जो कराते हैं वो जनरली जो कराते हैं हम लोग बेसिक कैटलाइज्ड ही कराते हैं, या फिर बेस कैटलाइज्ड जो होता है हमारा, हम लोग बेस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मीना टू लीना ही क्यों चाहिए, ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है, मीना और लीना क्यों चाहिए, क्यों हमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ही एटम चाहिए, क्यों नहीं हम लोग वनली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ही ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि जो निगेटिव जो होता है वो स्टेबलाइज किसके ऊपर होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर, ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर ही जो निगेटिव चार्ज जब आता है रेजोनेंस के थ्रू उसके ऊपर, तो वो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल, था 3-4 पॉइंट थे हमारे पास, जो भी थे हम लोगों ने आपको बताया। और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ये फ्री का नॉलेज है दोस्तों, सभी लीजिए, सभी बढ़िए, धन्यवाद।